आइए हम सब एक बार फिर एक नए टॉपिक को मैथ में कवर करने जा रहे हैं। क्या है रेशनल नंबर? क्या देखो, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, रेशियो से परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, जो हम सबका इंटरेस्ट से रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको समझेंगे। तो पहले क्या समझना है हम सबको, टू फाइंड द रेशियो ऑफ द गिवन डाटा, जो भी डाटा दिए हैं उनको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो पहला इस क्वेश्चन क्या है, देखो स्पीड साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, इसको किसमें चेंज करना है, रेशियो मीन्स अनुपात में। एक चीज याद रखेंगे, अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो याद रखेंगे इसको, या हिंदी में पढ़ रहे हैं तो समझेंगे, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, किस चीज को अनुपात में निकालना है। तो समझेंगे, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका है, तो यहां पे लिखेंगे पहले साल, तो देखेंगे रेशियो का लिख देंगे, रेशियो इज इक्वल टू जो पहला डाटा है, पहला डाटा कहां से कहां तक है भाई, देखो यहां तक का, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड ऑफ अ साइकिल, स्पीड दिया है साइकिल का, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ अ साइकिल, तो यहां पे लिखेंगे वो भी कितना पर आवर, अगर आवर में ना देके किसी और में दिया होगा चेंज करते, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए, पर आवर यहां भी लिखा है, पर आवर वहां भी लिखा है, तो यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर, तो एक साइकिल का दिया हुआ है, एक स्कूटर का दिया है पर आवर में। चलो समझते हैं कितना दिया हुआ है, यहां पे समझे 15 किलोमीटर दिया हुआ है, तो याद रखिए 15 किलोमीटर ये हो जाएगा डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 30 दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 30 किलोमीटर है, तो यूनिट भी लिखेंगे हम सब, मात्रक भी लिखते चलेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 15 × 15 15 × 2 = 30, 15 का टेबल दो बार जाएगा, तो 1/2 मीन्स रेशियो निकालो 1:2 कितना हो जाएगा 2। तो आगे समझते हैं, 5 मीटर और किसका 10 किलोमीटर का रेशियो निकालना है, अगर आपको आता है तो इसका जो है आंसर आप हमको कमेंट करके आंसर बताइए। अगला देखते हैं 5 किलोमीटर टू द कितना, तो इसका समझते हैं, इसका देखो रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो निकाल लेंगे भैया, यहां देखो रेशियो इक्वल टू 5 मीटर बटे कितना डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। समझते हैं पहले सबसे बड़े यूनिट कौन से हैं, समझेंगे किलोमीटर है, तो किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करो मीटर में, तो इंटू में कितना हो जाएगा 1000, तो मीटर से क्या हो जाएगा मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बाई देखेंगे 5/10000 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे 5 × 5 और ये देखो 0 0 0 और 5 2 जाए इतना, मतलब ये 2000 आएगा, तो 1/2 कितना आ रहा है आंसर का 2000, तो रेशियो निकालेंगे 1:2 कितना हो जाएगा 2000, तो आंसर हो जाएगा हम सबका ये। तो अगला थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला क्वेश्चन हम सब यहां पे लगाते हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा भाई, देखो रेशियो इज इक्वल टू 50 पैसा दिया है, तो 50 पैसे को यहां लिखो डिवाइड बाय कितना रुपीज, 5 रुपीज दिया है, तो यूनिट कौन सी बड़ी है, पैसा बड़ा कि रुपया, देखो रुपये बड़ा होता है इसलिए इसको पैसे में कन्वर्ट कर, तो 50 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसे, देखो 5 × कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 1 रुपए में कितना पैसा होता है भैया 100, तो याद रखें इतना पैसे, तो पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5/ कितना हो जाएगा 5×10 कितना होता है 50, तो यहां पे कैंसिल कर देंगे 5×5 5×10 1/10 आ गया, तो इसका रेशियो ले लेंगे 1:10 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर कोई भी डाटा दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिए हैं, अगर रेशियो निकालना है तो हम सब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो में ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डाटा ऊपर रहता है, सेकंड डाटा नीचे रहेगा, तो ऊपर का फर्स्ट डाटा हमने जो फर्स्ट डाटा है उसको ऊपर रखें, सेकंड डाटा कहां पे रखें नीचे, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम सब रेशियो में ले लेंगे। आइए हम सबका सेकेंड टॉपिक जो है उसको समझते हैं, कन्वर्ट टू द फॉलोइंग रेशियो टू द परसेंटेज। अभी तक हम सबने किसको क्या किया भाई, जो रेशियो दिए थे उसको हमने चेंज किए हैं, रेशियो फाइंड किए थे, अभी तक जो डाटा दिया था उसमें क्या किए थे, रेशियो फाइंड किए थे, मींस जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ऊपर लिख के सेकंड वैल्यू को नीचे रख के। अब क्या समझना है भाई, रेशियो दिए हैं इनको परसेंटेज में चेंज करना है, तो देखो कैसे करते हैं इसको समझाते हैं। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, 1:25, अब क्या हो जाएगा 1/25 आएगा, इसको किसमें चेंज करना है, याद रखेंगे किसमें चेंज करना है भाई, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100, तो 25 4 जा, तो 1 × कितना हो गया
4 इज इक्वल टू कितना परसेंट हो गया 4। मींस अगर हम सब हिंदी में बात करें तो अनुपात को भिन्न में बदलना, अनुपात को किस में बदलना, अनुपात को प्रतिशत में बदलना, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। याद रखेंगे कभी कदाप कई एग्जाम्स में भी पूछता है ये चीजें कि बताओ कैसे बदलते हैं, तो याद रखेंगे 1:25। देखो जिसको नहीं पता क्या करता है वो इस टेक्निक को अपनाता है, 1:26 इज इक्वल टू 26 हो जाता है। अब इसको क्या करेगा वो अब क्या करेगा, 25 ऊपर लिखेगा 26 नीचे मल्टीप्लाई, जो कि ये रॉन्ग है, ये याद रखेंगे ये टेक्निक रॉन्ग है। तो ये कब लगेगा, ये कब लगता है उस, ये अगला क्वेश्चन हम सब जब डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन में कवर करेंगे कि ये कब लगता है। यहां पे ये नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे कि सम नहीं निकाल सकते, जोड़ नहीं सकते, तो ये डायरेक्ट फंडा यही है। देखो अगला बताते हैं हम सब कौन सा, फोर्थ वाला समझते हैं, 7/25। तो इसको पहले रेशियो में ही लिख दो, 7:25, 7/ कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 100 से, 25 4 जा रहा है तो 7 × कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना 28%। इसका मतलब हम सबका जो बदल रहे हैं अनुपात को किस में बदल रहे हैं भैया, प्रतिशत में, रेशियो चेंज हो रहा है परसेंटेज में। तो अगला देखें एक और, तो समझते हैं 1:50, तो 1/ कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 52 × 100, 1 × 2 इज इक्वल टू 2%। देखिए कुछ चीजें नोट करके समझ लेंगे हम सब, नोट करके देखो क्या समझना है उसको समझाते हैं। 1:25 का रेशियो देखो निकालेंगे, 1:25 का इतना मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा कितना परसेंट 4%। देखो अगला किसका निकालना है भाई, अगला निकालते हैं हम सब किसका, देखो सेकंड निकालते हैं एक, ये हम सबका फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में समझेंगे 1:5 इसका कैसे आएगा, 1/5 × में कितना 100, कैंसिल कर देंगे इसको कितना हो जाएगा, ये हम सबका 20% आएगा। 20% आ गया, 20% के बाद क्या करेंगे इसको हम सब कवर करेंगे अगले। देखो अगला क्या है, अगर आपसे मान लो 75 का पूछता है, 75 का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो 1:75 तो कैसे हो जाएगा, 1/75 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो 25 से कटेगा, 25 3 जा और 25 4 जा, तो 4 × 1 = 4/3 इसको कन्वर्ट कर दो तो 1.33% करके आएगा। तो इस तरीके से कुछ हमने यहां पे बताया, देखो इस तरीके से ये सभी लगते हैं कि इतने परसेंट होगा, 1:25, 1:5, 1:75, ये नोट करके लिख लेंगे क्योंकि डायरेक्ट कभी ना कभी क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा और आपसे दिया रहेगा तो फट से हम सबको पता रहेगा, तो एमसीक्यू वाले जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट हम सब इसको टिक कर सकते हैं। हम सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन हमने इस बोर्ड पे लिख के रखा है। देखो 1260 of 33 1/3% प्लस 755 of 80% इसका टोटल वैल्यू निकालना है। तो देखो हम सब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा इतना और 33 1/3% प्लस 755 of 80%, इसको ऐसे कॉपी करके लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है आप ऐसे लिखे रहेंगे, ये देखो ये फ्रैक्शन में है, पहले इसको क्या जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब मिश्रित किया हुआ है, इसको हम सब पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्नों में कन्वर्ट करेंगे। इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना हो जाएगा 30, ये हम सबका 99 + 1 तो कितना हो जाएगा 100 3%, 100/3%। आगे समझते हैं, प्लस 755 of 80%। देखें ये हम सबका मिक्स में था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज को अभी पहले हटा दो, इतना अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑफ ऐसे ही रहेगा, तो 100/3। तो समझते हैं परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड। तो समझते हैं ये चीजें याद रखेंगे, परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करना पड़ता है, नीचे वाले में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, अगर लगाना है तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हटाना है तो नीचे वाले 755
अब यहाँ पे ऑफ ही रहेगा ऑफ 80%, 80% डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, समझते हैं, ये इतना आ जाएगा इनटू 100 डिवाइड बाई 3 इनटू 100 प्लस 755 इनटू 80 बाई 100। अब जो कटेगा इसको आपको कैंसिल कर देना है, ये 80 से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखें इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो देखें ये 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा और 2 5 जा, तो ये 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम सब। देखो इसको कैंसिल करो कितना आएगा, कैंसिल करके इसको समझते हैं, जिसको नहीं आ रहा है वो ये क्या करेगा, इस डिवाइड को देखेगा, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 1 जा 5 आ जाएगा, ये 2 बचेगा, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा तो 1 जा आएगा, मींस 151 आ जाएगा, 151 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर समझेंगे, देखो ये क्या है, अब इसको 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 3 2 जा और 3 0 मींस 420 इधर आया है प्लस 151 इनटू में कितना 4, तो 420 प्लस 4 1 जा 4 4 5 जा 20 2 इज द कैरी 4 1 जा 4 2 6 सभी को ऐड करो भाई, तो कितना आ रहा है, या हम ऐड कर देते हैं, देखो ये आएगा 1024, ये आंसर हो जाएगा 124 आंसर हो जाएगा। अगर इसको शॉर्टकट तरीके से करना है तो इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है, देखें अगर इसको शॉर्टकट तरीके से करना है, एक्चुअली ये फाउंडेशन क्लासेस है तो शॉर्टकट तरीका समझते हैं, या इसको पहले क्या करना है, आप ऐसे लिखो पहले इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पहले लिखिए, उसके बाद क्या करना है आपको समझाते हैं, प्लस 755 आप 80%, देखो करते क्या है, अगर आपको शॉर्टकट किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, 1260 इनटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा बाय 3 हो जाएगा, हमको पता है परसेंटेज हटाने के लिए 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये क्या हो जाएगा 755 इनटू ये 80 बाय कितना हो जाएगा 100। देखो कैंसिल कैसे करते हैं, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से कैंसिल होगा, ये 400 कितना आ जाएगा 20, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं भाई, देखो यहां पे ये 4 आएगा ये 5 आएगा, इसको यहां पे कंसीडर करेंगे तो 151 आएगा, तो देखिए एक ही लाइन में हम सबने आंसर निकाल लिया है, 420 प्लस 151 इनटू में कितना हो जाएगा 4, तो इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 420 प्लस ये हो जाएगा हम सबका 4 1 जा 4 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4 में 2 जोड़ देंगे 6 आएगा, सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है 1024 आंसर हो जाएगा 120। ये शॉर्टकट मेथड है, जिसको नहीं आ रहा है ये बेसिक्स मेथड है, तो हम सब मैथ को बेसिक से समझते हैं ना कि रटने का काम करते हैं, ये इसमें क्या है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको समझने के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप इस वाले में क्या है शॉर्टकट तरीके से रखना है।